भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने बना दिया आज तक का सबसे बड़ा स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना, भारत ने बना दिया बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर में 297 रन का स्कोर, आज तक का सबसे बड़ा T20 में स्कोर माना जा रहा है। और भारत ने इस मुकाबले में कुल 22 छक्के लगाए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन कितना छक्का लगाया और ये मुकाबला भारत जीत पाएगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि आज संजू सैमसन ने पहली बार T20 में शतक लगाया है, तो आइए हम आपको बताते हैं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में कितना रन बनाया। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की ये तूफानी बल्लेबाजी देखकर उड़ गए बांग्लादेश के होश। तो आइए हम आपको बताते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच टॉस होता है तो बांग्लादेश पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लेती है और भारत इस मुकाबले में बैटिंग करने का फैसला करती है। की तरफ से दो ओपनर आते हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आते हैं भारतीय टीम का पारी का आगाज करने। तो अभिषेक शर्मा पर दूसरे ही ओवर में मेहदी हसन ने तस्किन साकिब के बॉल पर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा चार बॉल पर 4 रन बनाकर एक चौका लगाकर आउट हो जाते हैं। फिर आता है संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का तूफान। अभिषेक शर्मा को आउट होने के बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आते ही पहले बॉल पर रिजल्ट दिया छक्का। संजू सैमसन इस मुकाबले में 10वें ओवर में साकिब के बॉल पर 5 छक्के लगाकर 1 ओवर में 30 रन बटोर लिए थे। तो संजू सैमसन इस मुकाबले में अपने पारी का एक पहला शतक लगाया था, जिसमें से 47 बॉल पर संजू सैमसन 111 रन की पारी खेली, जिसमें से 11 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 35 बॉल पर 75 रन की पारी खेली, जिसमें से 8 चौके और 5 छक्के कुल शामिल हैं। फिर उसके बाद संजू सैमसन के आउट होने के बाद आते हैं रियान पराग भी आते हैं, चौके और छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। तो रियान पराग 13 बॉल पर 34 रन बनाते हैं, जिसमें से 4 छक्के और 1 चौके शामिल हैं। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कुल 18 बॉल पर 47 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें से 4 चौके और 4 छक्के लगाकर साकिब के बॉल पर राशिद हुसैन के हाथों में कैच दे बैठते हैं। फिर आते हैं रिंकू सिंह 4 बॉल पर 8 रन बनाकर एक छक्के की मदद से कुल 22 छक्का पूरा कर देते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच जो 21 छक्के का रिकॉर्ड था उसको 22 छक्के में बदल देते हैं। फिर आते हैं नितीश रेड्डी साकिब के बॉल पर मोहम्मद हसन के हाथों कैच करा देते हैं, जिसमें से वह छक्के लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। फिर वाशिंगटन सुंदर एक बॉल पर 1 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, यानी नाबाद रहते हैं। अब करें मोहम्मद उल्ला 2 ओवर में 26 रन दे देते हैं और 1 विकेट चटकाते हुए। राशिद हुसैन 2 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट भी नहीं पाते हैं। मुस्ताफिजुर रहमान की बात है तो मुस्ताफिजुर रहमान 4 ओवर में 52 रन दे बैठते हैं और 1 विकेट ही पाते हैं। दोस्तों अगर यह मुकाबला भारत जीत जाती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को